दोस्तों नमस्कार आप लोगों की ब्लेसिंग्स आप लोगों की दुआओं से हम बहुत अच्छी सर्विसेज अपने पेशेंट्स को दे पा रहे हैं उसका मेन बेसिस ये है कि आपका ट्रस्ट है आपका विश्वास है हमारे ऊपर और जब ये ट्रस्ट मिलता है आप जो राइट हमें देते हैं अपनी लाइफ के बारे में इंपॉर्टेंट डिसीजंस करने का तो उसके साथ साथ हमारी एक बहुत बड़ी ड्यूटी भी आती है कि हम आपको बेस्ट चीज़ दें नॉट ओनली सर्जरी बट ऑल्सो नॉलेज ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एक बहुत वास्ट टॉपिक है और ये एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है पेशेंट की लाइफ में एक ही बार होता है अगर अच्छा होता है तो लाइफ चेंज हो जाती है और खराब होता है तो भी लाइफ चेंज हो जाती है बट साइंस इज ए प्रोग्रेसिव एंड डायनेमिक है हर रोज नई चीज़ें नई टेक्निक्स नए इम्प्लान्ट्स बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं लेकिन आप लोगों को नहीं पता कि वॉट इज द बेस्ट फॉर यू फॉर योर एज फॉर योर बोन क्वालिटी फॉर योर डिजीज तो ये हमारा काम है आपको बताना कि जो नई चीज़ आ रही है उसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है तो आपने सुना होगा आजकल कि रोबोटिक सर्जरीज का बड़ा क्रेज़ है हर हॉस्पिटल में आप जहां भी आप जाते हैं रोबोटिक सर्जरीज रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट रोबोटिक हार्ट सर्जरी रोबोटिक नी सर्जरी रोबोटिक हिप सर्जरी इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है लेकिन कहीं भी अभी तक ये एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा कि विच रोबोटिक सर्जरी क्योंकि जब कोई नई चीज़ आती है तो उसमें बहुत वेराइटीज़ भी आती है आप गाड़ी लेने जाए फोन लेने जाए तो उसमें भी आप असेस करते हैं कि हमें क्या चीज़ लेनी है और ये तो आपकी लाइफ और आपकी सेहत से रिलेटेड चीज़ है तो इट्स योर राइट टू तो नो कि कितनी तरह की कि रोबोटिक सर्जरीज होती हैं किस में क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है एंड व्हाट इज बेस्ट फॉर यू तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे तो बात करते हैं रोबोटिक्स की रोबोटिक्स इन जॉइंट रिप्लेसमेंट बेसिकली रोबोटिक्स का मतलब है कि कोई मशीन हमें हेल्प कर रही है अपनी सर्जरी के रिज़ल्ट इम्प्रूव करने में एक्यूरेसी इम्प्रूव करने में टाइम बचाने में और पेशेंट के टिश्यूज़ को ट्रामा कम हो उन सब चीज़ों में हमारी हेल्प कर रही है प्रोसीजन में कि हम जो इम्प्लांट लगा रहे हैं उसका साइजिंग उसका प्लेसमेंट उसका एंगुलेशन उसकी ओरिएंटेशन उसको हम ज़्यादा एक्यूरेट कर सकें उसी के लिए हम इन मशीन्स का यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं बहुत पहले एक मशीन uh, आई थी एक सिस्टम आया था जिसको हम कहते हैं नेविगेशन यानी कि नेविगेशन बेस्ड जॉइंट रिप्लेसमेंट जिसको कहते हैं सी ए एस यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड सर्जरी इसका एक बार बहुत फैशन हुआ था और बहुत सारे लोग बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने बहुत सारे जगह पर इसकी मार्केटिंग हुई लोगों को काफ़ी अच्छा लगा सर्जरीज हुई लेकिन अल्टीमेटली इसकी कोई ज़्यादा यूटिलिटी नहीं थी एंड देन इट वेंट ऑफ ऐसी बहुत सारी नई नई टेक्निक्स आती हैं जो एक बार आती हैं जब वो सक्सेसफुल नहीं होती हैं तो दे हैव टू बी लेफ्ट अलोन अब जो लेटेस्ट चीज आई है वो आई है रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट कंप्यूटर असिस्टेड सर्जरी में क्या था कि हम पेशेंट की पूरी इंफॉर्मेशन उसकी बोन स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर को देते हैं कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर के बेस पर हमें सजेशन देते हैं कि इस पेशेंट में इस साइज का इंप्लांट डालना चाहिए इस एंगल पर डालना चाहिए एंड दैट्स इट सर्जरी टोटली सर्जन ही करते थे तो उसमें कोई डायरेक्ट हेल्प नहीं मिल रही थी इट वॉज इनडायरेक्ट हेल्प लेकिन रोबोटिक रोबोटिक्वाइंट रिप्लेसमेंट जो अब आया है जो लेटेस्ट चीज है उसमें रोबोट इज एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन द सर्जरी तो उसे हमारा जो हेल्प एक्चुअली चाहिए जो फिजिकल हेल्प कहते हैं दिस वॉज ओनली सॉफ्टवेयर बेस्ड हेल्प दिस इज सॉफ्टवेयर प्लस फिजिकल हेल्प यानी कि एक्चुअल सर्जरी करने में भी अब कंप्यूटर रोबोट हमारी हेल्प कर रहा है सो दिस इज एक्चुअली ट्रू रोबोटिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी लेकिन रोबोटिक रिप्लेसमेंट में भी दो तरह के रोबोट्स होते हैं जिसकी आज हम बात करेंगे और उनके क्या फायदे हैं क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं वो दोनों में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे तो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के दो पार्ट होते हैं एक होता है सॉफ्ट टिश्यू पार्ट एक होता है बोनी पार्ट सॉफ्ट टिश्यू मीन्स कि हम इंसिजन देते हैं एक्सपोज करते हैं ज्वाइंट तक पहुंचते हैं उसके बाद जब बोन हमें दिखाई देती है जो डिफॉर्म्ड डैमेज बोन है अर्थरेटिक बोन है उस पार्ट को हम रिमूव करते हैं नया इम्प्लांट डालते हैं और फिर बाद में सॉफ्ट इशूज को क्लोज कर देते हैं यानी कि कैप्सूल है फेशिया है मसल्स हैं उन सबको हम क्लोज कर देते हैं तो दे आर टू पार्ट्स तो रोबोट का जो रोल है वो सिर्फ बोनी पार्ट में है सर्जन ही एक्सपोज करता है सर्जन ही लास्ट में क्लोज करता है वो उनको लेकिन हमें किस एंगल पर बोन काटना है कितनी बोन काटनी है किस साइज का इम्प्लांट लगाना है ये सब डिसीजन हार्डवेयर पार्ट में आता है जिसमें हमें रोबोटिक हेल्प की जरूरत पड़ती है अभी तक जो यूज हो रहा था दैट वॉज सेमी ऑटोमेटिक रोबोट सेमी ऑटोमेटिक क्यों कहते हैं कि जो रॉबोट है वो सारा काम बोनी पार्ट इंडिपेंडेंटली नहीं करता है तो इसको हमने एक सिंप्लीफाई किया दिस इज मैन प्लस मशीन यानी कि सर्जन भी उसमें काम कर रहा है और मशीन भी यानी कि रोबोट भी काम कर रहा है तो जब आप वीडियो देखेंगे जो हम आपको अभी दिखाएंगे उसमें आप देखेंगे कि जो मशीन जो सौ है हमारा जिससे हम बोन को काटते हैं उसमें रोबोटिक आर्म भी अटैच और सर्जन के पकड़ने के लिए भी हैंडल बना हुआ है दैट मीन कि ना तो सर्जन इंडिपेंडेंटली काम कर पा रहा है और ना रोबोट इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है तो इट लुक्स लाइक कि देर इज ट्रस्ट इश्यू बिटवीन द सर्जन या एंड द रोबोट यानी कि सर्जन को रोबोट के ऊपर विश्वास नहीं है और रोबोट को सर्जन के ऊपर विश्वास नहीं है सो वेन देर इज ए सिचुएशन लाइक दिस कि इसमें कोई भी पार्टी इंडिपेंडेंट काम नहीं कर रही है तो उसमें इट्स लॉट्स लॉट्स ऑफ 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 टाइम वेस्टेज एनर्जी और बार बार जब वो स्ट्रगल होती है तो सौ रुक जाता है फिर अगर रीस्टार्ट करते हैं तो ये बड़ा थोड़ा क्लमजी लग रहा है मीन्स जैसा कि रोबोटिक सर्जरी में होना चाहिए क्लीन स्मूथ सर्जरी वो नहीं लग रहा है तो इसलिए आई टोटली डिसएग्री कि हमें ये वाले रोबोट्स के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए बिकॉज टाइम भी ज्यादा खराब होता है पेशेंट का ब्लीडिंग ज्यादा होता है देर हाई चांसेस ऑफ इन्फेक्शन और जब बोनी पार्ट हो रहा है तो आपका हाथ भी वहां जा रहा है तो देर इज ह्यूमन टच ऑल्सो सो हम जो एडवांटेज लेना चाह रहे थे रोबोटिक सर्जरी की वो हमें इसमें नहीं मिल रही है तो इसको देखते हुए अब जो लेटेस्ट चीज है दैट इज फुल्ली ऑटोमेटिक रोबोट्स सो दिस बिकम्स नाउ मैन एंड मशीन दैट मींस इसमें सर्जन और मशीन अपना अपना काम कर रहे हैं सेपरेटली काम कर रहे हैं यानी कि सॉफ्ट टिश्यू सर्जन का काम है बोनी पार्ट ऑटोमेट पूरा ऑटोनोमस रोबोट का काम है यानी कि जब सर्जन काम कर रहा है तो रोबोट इंटरफेयर नहीं करेगा और जब रोबोट काम कर रहा है तो सर्जन स्टैंड अवे विदाउट इंटरफेयरिंग इन इट्स जॉब तो जब दो अलग अलग एंटिटीज अपना अपने इंटेलिजेंस से काम करेंगी तो काम जल्दी भी होगा स्मूथ भी होगा एंड दे इज नो स्ट्रगल सो दीज आर फुली ऑटोमेटिक रोबोट्स जिसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं तो ये सर्जरी ऐसे होनी चाहिए कि बिल्कुल क्लीन बिल्कुल इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है और फुल्ली ऑटोमेटिक रोबोट का एक फायदा यह भी है कि इज नो ह्यूमन टच ऑन द बोन तो इन्फेक्शन के चांसेस ऑलमोस्ट नील है तो सो वी आर ट्रस्टिंग द एआई ऑफ द रोबोट वी अंडरस्टैंड कि हमने एक बार जो सॉफ्टवेयर में फीड कर दिया है जो मिलके रोबोट और सर्जन ने प्री ऑपरेटिवली एक डिसीजन ले लिया है उसी के अकॉर्डिंग सर्जरी होगी और वैसा ही प्रेडिक्टेबल हमें रिजल्ट मिलेगा बजाय इसके कि सेमी ऑटोमेटिक रोबोट की तरह कि हम सर्जरी के बीच में स्ट्रगल कर रहे हैं सर्जन एक तरफ पुल कर रहा है रोबोट दूसरी तरफ पुल कर रहा है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि रोबोटिक सर्जरी का मतलब है स्मूथ क्लीन फास्ट सर्जरी विच रिड्यूसिज द टाइम ऑफ सर्जरी विच रिड्यूस द ब्लीडिंग एंड अस बेटर रिजल्ट तो अब आप समझ ही गए होंगे कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट या रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट ऐसा कोई ब्लाइंड प्रोसीजर नहीं है कि आपको बताया और आपने करा दिया इट्स योर ड्यूटी टूअर्ड योर पेशेंट टूअर्ड योर सेल्फ कि आप फाइंड आउट करें विच रोबोटिक सिस्टम इज़ बींग यूज उसका क्या फ़ायदा है क्या वो सिर्फ नाम के लिए रोबोट है या उसका एक्चुअली आपको जेनविनली फ़ायदा हो रहा है बिकॉज यू आर स्पेंडिंग मनी यू आर स्पेंडिंग योर एनर्जी तो आप एक इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं तो ये जो आज हमने बताया मुझे उम्मीद है कि इससे आपको अपना फैसला लेने में आसानी होगी फिर भी इसके अलावा आपको कोई भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपके पास हमारे नंबर्स हमेशा ही हैं तो यू कैन ऑलवेज़ कॉन्टैक्ट एस Thank you very much.